स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 10th क्लास मैथ साइंस की एक्सरसाइज 3.1 करनी है। 9th तक क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। अब हम 10 और 11 करते हैं। 10 वाले क्वेश्चन में कंप्लीट द फॉलोइंग। इफ 24/7 इज इक्वल्स टू 6/x, देन 4x इज इक्वल्स टू, अगर 24/7 वो किसके इक्वल है 6/x के, तो हम लोगों ने 4x फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स, हम किस तरह करेंगे इसको? 24/7 इज इक्वल्स टू 6/x, ठीक है। अब ये उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी। 24x इज इक्वल्स टू 6 × 6 × 7, 24x 6 × 7 = 42, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब ये जो है, ये सेम टेबल पे हमने इसको क्या करना है, कैंसल आउट करना है। अब अगर हम इन दोनों को 6 से डिवाइड कर दें, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ हम लिख देते हैं, चलें पहले यहाँ हम इसको 4/6, ये किससे हो रहा है हम बता देते हैं, डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब ये 6 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 6 × 4 = 24, तो 4x इज इक्वल्स टू 42 है, सॉरी, ये तो 6 × 7 = 42 होता है स्टूडेंट्स, 4x इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। वही जो इसकी उन्होंने रिक्वायर्ड थी, जैसे उन्होंने कहा था कि 4x फाइंड आउट करें, तो 4x हम लोगों ने क्या किया, 4x इज इक्वल्स टू 7। अब इसका जो बाकी दूसरा पार्ट है और तीसरा है, वो आप लोग खुद करके देखिएगा, वो भी इसी तरीके से। अब हम 11 क्वेश्चन करते हैं। 11 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि फाइंड x, ठीक है, हम लोगों ने x फाइंड आउट करना है, और ये क्या है, 3x - 2 है, और रेशो 4:2x + 3 है। मतलब इसी तरीके से हम लोगों ने इसको भी फाइंड आउट करना है, लेकिन ये दो उसका आ गया है कंपैरिजन, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सट्रीम और मीन वाले उससे करेंगे, ये प्रोपोर्शन बन गया है ना। तो अब हम इसको किस तरह करेंगे, पहला वाला था, मैं इसको सोल्यूशन चलेंगे यहाँ लिख देती हूँ, 3x - 2 = 4 × 2x + 3 = 7, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हम इसको किस तरह करेंगे, ये है तो वैसे ही तरीका, लेकिन ये प्रोपोर्शन वाला है, तो इसको किस तरह करेंगे, हम इसको उसी तरह लिख देते हैं, 3x - 2 = 4, और ये प्रोपोर्शन है 2x + 3 = 7। अब मैंने आपको जो स्टार्ट में बताया था, फर्स्ट और लास्ट वाला एक्सट्रीम होता है, ये और ये जो है, मतलब ए और डी एक्सट्रीम होता है, बी और सी जो होते हैं मीन होते हैं। हम यहाँ लिख भी देते हैं, ए है और ये डी है, ये एक्सट्रीम है, और ये है मीन, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ मीन लेंगे, यहाँ लिख देते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफएक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है 3x - 2, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू मीन है 2x + 3 × 4, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 × 7 = 21 − 21x - 7 × 2 = 14 इज इक्वल्स टू 4 × 2 = 8x + 4 × 3 = 12। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x वाले इकट्ठे कर लेंगे, 21x माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ के माइनस हो जाएगा 8x इज इक्वल्स टू 12, माइनस है यहाँ के हो जाएगा +14। 21 - 8 होता है 13x इज इक्वल्स टू 12, और 14 होता है 26। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x इधर ही रह गया, 26 ये मल्टीप्लाई है यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, ये 13 के टेबल पर, 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26, x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम ये हमने फाइंड, ठीक है, तो वो आप लोग खुद करके देखिएगा।